हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर और इस टाइप फर्स्ट को हम फिनिश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में हुआ है, ठीक है, किया जाता है। यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 है तो निचले हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है एक पृथ्वी गोलार्ध टाइप का जो है क्वेश्चन बनता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, सेम उसी पर, उसी पैटर्न पर या फिर उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। जैसे कि एक पृथ्वी है, ये मैंने बोला, ठीक है, ये मैंने शायद कराया हुआ है राकेश यादव सर की बुक से और जहाँ पे मैंने अच्छे से सॉल्व भी कराया हुआ है, ठीक है, रेशियो, और यहाँ पे किरण पब्लिकेशन के रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी होगा। तो यहाँ पे क्या उत्तरी और पूर्व, उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पे अभी, लेकिन यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध नहीं है, ये क्वेश्चन जो उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का क्रम से 4:3 है, मतलब इस पूरे गोले का जो रेशियो दिया हुआ है, फुल गोले का, पूरे गोले का जो हमें रेशियो दिया हुआ 4:3 है। कितना है? 4:3। किस किस कलर का? ब्लू और नीले और पीले का, मतलब ब्लू और येलो। अब क्वेश्चन ने ये भी बोला है कि ये तो कंप्लीट है, अब क्वेश्चन ने एक बात और बोली, ऊपर वाले हिस्से का नीले और पीले रंग का जो अनुपात है वो कितना है? 2:3 है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि नीचे वाले हिस्से में येलो और ब्लू का जो रेशियो है वो कितना होगा। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में बस हमें एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना होता है। जैसे ये सर्कल है, पृथ्वी टाइप का क्वेश्चन आता है उत्तरी गोलार्ध में इस तरीके से, तो फिर आपको क्या करना है, देखो जैसे ये गोला है, इस गोले की कैपेसिटी मैंने मानी 100, ठीक है, समझना, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पूरी 100 है और ये मैंने कर दिया आधा। तो याद रखना, इसका जो आधा होगा वो इधर होगा और आधा होगा वो इधर होगा, मतलब ये अगर पूरे गोले की कैपेसिटी 100 है तो आधा आधा डिवाइड होगा हमेशा, ठीक है। और डिटेल में हम चलेंगे अच्छे से जब रेशियो में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर कहानी कहती है कि हम इसे कैसे तोड़ें। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा माइंड यूज़ करना, 4:3 है, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये टोटल मिला के हो जाएगा 7, ठीक है। अब 7 का ऐसा मल्टीपल देखो, 7 का ऐसा मल्टीपल देखो जिसका आधा और आधा हो जाए परफेक्ट, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो 7×5=35, 35 का आधा करूँगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। और हाँ, ऐसा आधा करना है कि 2 और 3 कितना होता है इसका योग, 5, 5 से भी विभाजित होना चाहिए, 5 से विभाजित हो, 7 से विभाजित हो, ऐसी कोई संख्या मिल जाए हमें। तो 7 यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सिर्फ एक ही मल्टीपल मिलेगा जो कि पास में होगा, ठीक है, 70। तो यहाँ पे अगर मैं 70 देखूँ और 70 अगर ये टोटल समय, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 10। जब 1 का मान 10 है तो 4 का मान कितना होगा भाई? 40। और इस 3 का मान कितना हो जाएगा? 30। 40 और 30 है, ठीक है, 40 30 है। अब मैंने बोला कि जो 70 है ना, इस 70 को आधा आधा डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। 70 को आधा में कर दूं तो ऊपर कितना हो जाएगा? 35, और नीचे वाले का सम कितना होना चाहिए? 35। इसका हमें अभी कोई यूज़ नहीं है, इसे हटा दो, ठीक है। सिर्फ मैंने चेक किया कि यहाँ पे देखो, अगर आप 7×2=14 करते, 14 का आधा आधा करते तो, लेकिन इससे डिवाइड नहीं हो रहा था, ठीक है। 7×3=21, इससे डिवाइड नहीं हो रहा, 7×4=28, इससे डिवाइड नहीं हो रहा, 7×5=35, इससे डिवाइड नहीं हो रहा। तो सीधे मैंने 7×70 कर लिया और जो है 70 यहाँ पर हो गया और इसके आधे आधे भी हो गए। अब एक काम करते हैं, इसे सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, 2×3 कितना होता है? 5। 5 रेशियो का मान कितना है? 35 है। तो 1 बराबर कितना निकल आएगा? 7। 1 बराबर ऊपर निकल आया 7। 7 का गुणा इसमें कर दूँ, 7 का गुणा इसमें कर दूँ, परफेक्ट वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इन्हें चेंज कर लेते हैं, 40 और 30, ठीक है। यहाँ 10 का मल्टीप्लाई, ये 10 का मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 30, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पर सिंपल तरीके से 1 बराबर 7 है, 7 का गुणा इसमें, 7×2=14 और 7×3=21। अब एक बात बताओ, ये है टोटल, ये है ऊपर वाला हिस्सा,
अगर मैं टोटल में से ऊपर वाले हिस्सों को घटा दूं तो नीचे वाले का येलो और ब्लू का रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है, कितना कितना है, तो 40 में से अगर मैं 14 घटाऊंगा तो बचेगा कितना, सीधे सीधे हमारे पास बच जाएगा 26। इसी तरह से अगर मैं इधर माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 9। तो 26:9 फाइनल हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा। और याद रखना, ऊपर वाले का और नीचे वाले का इन दोनों का सम, इसका सम अगर हम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 35, और इसका सम कितना आना चाहिए, 35, और ये कितना होना चाहिए, 70, तब जाकर हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो 26:9 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है रेशियो में आपको देखने को मिलेगा, और अच्छे से जब पृथ्वी को लेकर हम चलते हैं एक्सप्लेन करते हैं तो उस टाइम पर और अच्छा लगता है। यहाँ पर क्या रख दिया है, एक गोला है या फिर वृत्त बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसके दो हिस्से किए जाते हैं, ऊपरी और नीचे, ठीक है, और टोटल हमें क्या दे रखा है, इसका अनुपात दे रखा है ब्लू और येल्लो का, ठीक है। तो टोटल मिला के हमने देख लिया, 7 7 = 70 है, 1 = 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया, 7 = 70 इसलिए लिया क्योंकि 7 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 2 3 5 से भी होनी चाहिए, ठीक है, और आधा आधा कंप्लीटली हो जाना चाहिए, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है। इस टाइप के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको रेशियो में कराए जाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलो फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, 57 की क्या कहानी है। चीनी की 2 किस्मों को किसी अनुपात में एक साथ मिला दिया जाता है, ठीक है, आगे दिया हुआ मिश्रण की प्रति केजी लागत उच्च कोटि मतलब अच्छी चीनी की लागत से कितना है, 0.50 रुपये कम है, ठीक है। आगे देखते हैं, घटिया चीनी की लागत से 0.75 रुपये कम है, ठीक है, उच्च कोटि की चीनी और घटिया चीनी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, देखो कम दिया हुआ है और हमें अधिक दिया हुआ है रुपये, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मिश्रण की प्रति केजी, मिश्रण का जो मान है वो हमें नहीं पता। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ माना मिश्रण, ठीक है, दूसरी तरफ मैंने मान लिया उच्च वाली मतलब अच्छी वाली, और यहाँ पर मान लिया नीचे क्या दिया हुआ है इसमें, घटिया, तो घटिया लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घटिया मत समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर उच्च मिश्रण तो हमें पता नहीं, एक्स मान लिया मैंने, ठीक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन ने बोला है कि 0.50 रुपये कम है, जो उच्च कोटि की चीनी लागत से कितनी, 0.50 रुपये कम है, 0.50 रुपये कम है, कौन, मिश्रण, 0.50 रुपये ये कम है, तो मैं इसे क्या करूँगा, x प्लस 0.50। अब आप बोलोगे ये तो कम बोला है लेकिन ये प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि अब एक बात बताओ, अगर मैं x की जगह पे 1 रख लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1.5, और ये कितना हो जाएगा भाई, 1। तो देखो उच्च कोटि की चीनी से औसत जो लागत है वो कम है कि नहीं, बिल्कुल कम है, सेटिस्फाई है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर बोला जाएगा कम लेकिन आपको कर लेना है अधिक, ठीक है, यहाँ पे अधिक बोला गया है तो 0.75 रुपये अधिक है लागत से, और घटिया चीनी जो है की लागत से कितना, 0.75 रुपये अधिक है, ये जो वैल्यू है ना ये 0.75 रुपये अधिक है, मतलब ये 1 रुपये है, तो ये कितना होना चाहिए, 0.75 होना चाहिए, 0.75 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सॉरी 0.25 रुपये होना चाहिए ओनली, क्योंकि इससे ये वाला जो मूल है वो कितना कम है, 0.75 रुपये कम है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर सीधे सीधे x माइनस कितना कर दूँ, 0.75। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, मिश्रण वाली वैल्यू निकल आई, उच्च वाली घटिया वाली, एलिगेशन लगा देते, तो एलिगेशन में यहीं पे लिख देता हूँ x से, बस यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे, यहाँ से एलिगेशन, तो यहाँ पे x में से x घटा दो, माइनस का कोई रोल नहीं होता, तो इधर कितना बच जाएगा, 0.75, और अगर मैं इधर की बात करूँ तो कितना बच जाएगा, 0. इसे 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, 50, ठीक है, इसमें से ये घटाए, इसमें से ये घटाए, ये बचा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 3 75 हो गया, 25 2 50 हो गया, तो 3:2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3:2, मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा, ओके
फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 की कहानी देखते हैं, 58 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। एक लीटर जल का वजन 1 किलोग्राम है, मतलब एक लीटर जो जल है उसका जो वजन दिया हुआ है 1 किलोग्राम है, और एक लीटर एक अन्य द्रव्य जिसका वजन 1.340 किलोग्राम है। यदि उन दोनों को मिलाकर उनका मिश्रण का वजन भी दे रखा है 1.270 प्रति केजी प्रति लीटर, और उसने बोला है कि एक लीटर मिश्रण में उनके अनुपात क्या होंगे। तो कुछ नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने हमसे पहली लाइन में बोल दिया है कि एक लीटर जो है 1 केजी के बराबर है, 1 लीटर इक्वल टू दिया हुआ है 1 केजी। ठीक है, 1 लीटर 1 किलोग्राम है, ठीक है, और 1 लीटर एक अन्य द्रव का वजन 1.340 किलोग्राम है। अब एक बात बताओ, 1 केजी में कितने ग्राम, 1000 ग्राम हो गए। अब एक काम करते हैं हम, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, ये केजी में दी गई है, इन्हें ग्राम में चेंज कर लें। ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैं इसमें 1.340 में अगर मल्टीप्लाई 1000 करूंगा तो क्या होगा, ये तीनों जीरो हट जाएंगे, ये पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ हमें पॉइंट हटा देना और वो ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो कितना है पहला 1340, कितना दिया हुआ है 1340, सेकेंड है 1270 और सेंटर में आ जाएगा 1000 केजी, और एलिगेशन हम लगा सकते हैं। सीधे सीधे अगर हम देखेंगे इधर बचा 270 और अगर इधर देखेंगे तो कितना बचा 340 बचा। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और किसी से डिवाइड हो रही है 2734। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2734 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, और अगर वैल्यू कटती है तो काट दीजिए, नहीं कट रही तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2734 हो जाएगा। कुछ नहीं किया, 1 लीटर 1 केजी के बराबर, 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर। ये मिश्रण का मूल था, ये मिक्सर था, इस वजह से मैंने बीच में रख लिया। यहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ था, केजी में था, ग्राम में करने के लिए इस पॉइंट को हटा देंगे क्योंकि तीन डिजिट से पहले था। बाकी एलिगेशन है, सीधे रेशियो निकल आएगा। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 की कहानी देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। 32 रुपये प्रति केजी के गेहूं है और 24 रुपये प्रति केजी के गेहूं के साथ मिलाया जाता है, और उसके बाद मिश्रण को 39 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा जा रहा है, और उसमें 20% का 30% का लाभ होता है। ठीक है, अब मिश्रण को अगर मैं 39 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचता हूँ तो मुझे 30% का लाभ होता है। तो 30% का लाभ हो रहा है, मतलब ये क्या दिया हुआ मुझे SP, और SP से जाना है मुझे CP पे, तो क्या करेंगे 100/130। सीधे सीधे यहाँ से मैं क्या निकाल लूँ, CP। जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो मिश्रण का जो बीच में सेंटर में मूल आएगा वो CP आएगा, तो CP निकालते हैं हम यहाँ से। तो सीधे सीधे 1010 13 तिया और 3 2 30 यहाँ पे आ गया, ये हमारा CP निकल के आ गया। ये मैंने प्रॉफिट और लॉस में बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड कराए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है पहले 32, 24, 32 रुपये, 24 रुपये एंड 30 रुपये। फाइनली अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हुआ 6, और यहाँ कितना हुआ 2, 2 एकम 2, 2 3 6, तो मतलब 3:1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस रेशियो में उसने मिलाया होगा, 3:1 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। फटाफट से नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिए। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। और याद रहे, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि सबसे पहले आप परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट SICI जिस सीरियल वाइज में मैंने प्लेलिस्ट में चैप्टर कराए हैं, आप उन पर भी उसी सीरीज में सॉल्व करें। ठीक है, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। ठीक है, 59 की क्या कहानी है देखिएगा, सॉरी 60, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। टाइप फर्स्ट है मिक्सर एंड एलिगेशन का। ठीक है, कॉफ़ी पाउडर जिनकी कीमत हमें दी गई है 2400 रुपये प्रति केजी, 2400 की जगह आप 2500 कर लीजिएगा। ठीक है, 2400 रुपये प्रति केजी यहाँ पे गलत है, इसे 2500 कर लीजिएगा,
ठीक है, 2500 रुपये प्रति केजी के हिसाब से होगा, मिसप्रिंट है बुक में, ठीक है, 2500 रुपये प्रति केजी के भाव से और 1500 रुपये प्रति केजी के भाव से, और दोनों को मिश्रण दे रखा है 2250, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सीधे सीधे 2500 एक साइड में लिख लीजिए, दूसरी साइड में 1500 और 2250 सेंटर में, फाइनली एलिगेशन लगा देते, इस जीरो को हटा दीजिए, तीनों के एक एक जीरो को बिहारी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 250 है, कितना डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है, यहाँ पे अगर मैं देखूँगा डिफरेंस कितने का है, 75 का है, तो 25 से कम 25, 25 दिया 75, 3:1 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 3:1 होगा। आप 2400 को काट के अपनी बुक में एडिटिंग करके 2500 रुपये प्रति के जी कर लीजिएगा, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, सारे वही क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, सभी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलो फिर हम चलते हैं, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपसे फिर वही बात बोलूँगा कि अगर आपको अगर परफेक्टली सीखना है तो सबसे पहले आप परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, 61 की कहानी में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक मिश्र धातु 2000 रुपये प्रति केजी के लागत की है, ठीक है, ए, और 400 रुपये प्रति केजी की लागत की दी गई है बी, ए रेशियो बी 3:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाते हैं, मतलब पहली जो है 3 केजी ले ली जाती है वजन के अनुपात में, ठीक है, मिश्रित बनाएगा, ओके, तो 8 केजी का मूल्य क्या होगा। सीधी सी बात है, पहली जो चीज़ है वो 2000 रुपये किलो के हिसाब से है, दूसरी जो चीज़ है वो 400 रुपये। अब देखो यहाँ पर 3 केजी पहली चीज़ और 1 केजी दूसरी चीज़, टोटल कितना ले लिया मैंने, 4 केजी, ठीक है, फर्स्ट है एंड सेकेंड है एंड टोटल है, ठीक है। पहली जो चीज़ है वो 2000 रुपये के हिसाब से है, सेकेंड जो चीज़ है वो है हमारी 400 के हिसाब से, तो सीधी सी बात है, ये कितने की पड़ेगी भाई, 2000 रुपये की 1 किलो, तो 3 किलो कितने की हो जाएगी, 6000 रुपये की हो जाएगी। यहाँ पे 400 एकम 400, 1 किलो 400 की है, अगर मैं टोटल प्लस करूँ, टोटल प्लस करने पे कितना हो जाएगा, 6400 रुपये की, 6400 रुपये का, 6400 रुपये की कितनी मिल रही है हमें, टोटल फाइनल चीज़ कितनी मिल रही है, 4 केजी। अगर मैं इन्हें 3 केजी मान लूँ और ये 1 केजी एंड 4 केजी, तो 6400 रुपये की कितने केजी मिल जाएगी हमें, सीधे सीधे 4 केजी। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि 8 केजी का मूल्य बताओ, भाई 4 केजी जब 6400 की है, 4 केजी कोई भी चीज़, ये दोनों चीज़ें कितने की पड़ रही हैं, 6400 की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 8 केजी, तो 6 में 2 का गुणा कर दूँ, इधर भी 2 का गुणा कर दूँ, तो 8 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा जी, 2 4 8 2 6 12, 128 00, यह हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर भी बच्चों वाला क्वेश्चन था और इसमें कुछ था भी नहीं, ठीक है, और ये सिंपल सा टाइप था जो कि हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है, और गर्मी बहुत तेज़ी से पड़ रही है, उस हिसाब से आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करें, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना जल्दी से शेयर करोगे हम उतनी जल्दी से आपके लिए कुछ करेंगे, ठीक है, और चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। तो टाइप फर्स्ट फिनिश होता है, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे टाइप टू, ठीक है, और टाइप टू को अगर करना है आपको अच्छे से, ठीक है, टाइप टू जो है 8700 बुक में परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, बाकी के जितने भी क्वेश्चन है या फिर टोटली जितने भी क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो तो वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे परसेंटेज के 8700 में, जो कि मैं करा चुका हूँ, तो इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि परसेंटेज सबसे पहले कर लीजिए, जिससे कि आसानी होगी यहाँ पे कैलकुलेशन करने में। चलते, बाय, टेक केयर।